नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, आपको भी मुंबई की 5वीं बार आईपीएल में जीतने पर खुशी हुई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई में हुआ। 19 सितंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 10 नवंबर को दुबई के मैदान पर खेला गया। इस सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस रही, जिसने पहले से ही 4 खिताब जीत रखे हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में 5 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में टीम और निजी तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तमाम अवार्ड दिए गए। आईपीएल 2020 की विजेता मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का चेक मिला। वहीं अन्य खिलाड़ियों को तमाम अवार्ड मिले। आईपीएल के सीजन में फाइनल समेत किस खिलाड़ी को किस अवार्ड से नवाजा गया, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फाइनल मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ट्रेंट बोल्ट को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला, जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी तमाम अवार्ड बटोरे। तो चलिए जानते हैं सभी अवार्ड। तो सबसे पहला अवार्ड और सबसे बड़ा अवार्ड विनर टीम ऑफ द सीजन जो मिलता है मुंबई इंडियंस को। आईपीएल 2020 की ट्रॉफी अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियंस को एक चमचमाती ट्रॉफी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया गया है। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। तो अगला अवार्ड है रनर अप टीम ऑफ द सीजन जो मिलता है दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल में क्या किसी भी टूर्नामेंट में एक रनर अप टीम होती है जो फाइनल मुकाबला हारती है? इस बार दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल की रनर अप यानी उपविजेता टीम रही। बावजूद इसके बीसीसीआई की ओर से दिल्ली की टीम को 12.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। अब बात करते हैं अगले अवार्ड यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो मिलता है देवदत्त पड्डीकल को। आईपीएल में एक युवा भारतीय खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया हो। इस अवार्ड को आरसीबी के ओपनर देवदत्त पड्डीकल ने अपने नाम किया, जिन्होंने 15 मैचों में 473 रन बनाए जिसमें 5 अर्धशतक शामिल थे। दोस्तों इस अवार्ड के साथ साथ उस खिलाड़ी को 10 लाख का चेक भी दिया जाता है। अब बात करें अगले अवार्ड की। तो अगला अवार्ड है फेयर प्ले अवार्ड जो मिला है मुंबई इंडियंस को। आईपीएल के हर सीजन के बाद एक टीम को फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। इस बार मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है। ये अवार्ड उस टीम को मिलता है जिसने टूर्नामेंट में खेल भावना को बनाए रखा। इसमें टीम के हर खिलाड़ी की हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। अब बात करें अगले अवार्ड की। तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये अवार्ड मिला है पंजाब के कप्तान केएल राहुल को। टूर्नामेंट में एक अवार्ड का नाम गेम चेंजर ऑफ द सीजन है। इस अवार्ड को उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा बार टूर्नामेंट में अपनी पारी से या गेंदबाजी मैच को पलटा हो। इस बार केएल राहुल को ये अवार्ड मिला है। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया है और अवार्ड के साथ उन्हें भी 10 लाख का चेक दिया जाता है। इसके बाद अगला अवार्ड आता है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जो मिला है किरण पोलार्ड को। आईपीएल में सबसे तेज गति से रन बनाने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। इस बार किरण पोलार्ड ने इस खिताब को अपने नाम किया है, जिन्होंने 191.42 के स्ट्राइक रेट से इस सीजन में 12 पारियों में 268 रन बनाए हैं। उसके अलावा अगला अवार्ड है मोस्ट सक्सेस इन द सीजन जो मिलता है ईशान किशन को। टूर्नामेंट के आखिर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी को भी एक सम्मान दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम है मोस्ट सक्सेस इन द सीजन अवार्ड। इस बार ईशान किशन को इस सम्मान से नवाजा गया है, जिन्होंने 30 छक्के आईपीएल 2020 में जड़े हैं। इस अवार्ड के साथ उन्हें भी 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। उसके बाद आता है अगला अवार्ड जो है पावर प्लेयर ऑफ द सीजन जो मिलता है ट्रेंट बोल्ट को। इस बार आईपीएल की अवार्ड लिस्ट में एक नाम पावर प्लेयर ऑफ द सीजन का जुड़ा है। ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पावर प्ले में या तो रन बनाए हैं या फिर विकेट चटकाए हैं। ऐसे में ये अवार्ड ट्रेंट बोल्ट को मिला है, जिन्होंने 5 मैचों में शानदार गेंदबाजी की और उनको भी इस अवार्ड के साथ 10 लाख की धनराशि दी जाती है। इसके बाद अब आता है अगला अवार्ड जो है पर्पल कैप प्लेयर ऑफ द सीजन जो मिलता है कगिसो रबाडा को। आईपीएल के हर सीजन के बाद एक खिलाड़ी को पर्पल कैप मिलती है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हों। इस बार दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 30 विकेट चटकाए। दो बार उन्होंने टूर्नामेंट में 4 से 4 विकेट भी अपने नाम किए। अब इस अवार्ड के बाद बढ़ते हैं अगले अवार्ड की ओर। तो ऑरेंज कैप प्लेयर ऑफ द सीजन और यह मिलता है केएल राहुल को। टूर्नामेंट के फाइनल मैच के बाद जो बल्लेबाज सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप अवार्ड से नवाजा जाता है। इस बार इस पर कब्जा केएल राहुल ने जमाया, जिन्होंने 14 मैचों में 1 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 670 रन बनाए हैं और उनको भी इस अवार्ड के साथ 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब अगले अवार्ड है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जो मिला है जुफ्रा आर्चर को। आईपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड तो नहीं, लेकिन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड का मिलता है जिसने टूर्नामेंट में गेंद से बल्ले और फील्डिंग में अच्छा काम किया हो। इस बार जुफ्रा आर्चर को ये सम्मान मिला है, जिन्होंने 20 विकेट लेने के साथ साथ 5 कैच पकड़े हैं और 10 छक्के लगाए हैं और उनको भी इस अवार्ड के साथ 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है।
तो दोस्तों ये थे आईपीएल 2020 के पूरे सीजन के अवार्ड। अब बात कर लेते हैं आज के फाइनल के अवार्ड की। तो ड्रीम 11 गेम चेंजर का अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को। और इसके साथ दूसरा अवार्ड जो रोहित शर्मा को मिला है वो है अन अकेडमी लेट्स क्रिकेट सिक्सर्स का। इसके अलावा ईशान किसान को मिला है अल्ट्रोस सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को क्रेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल 2020 के फाइनल में 4 ओवर गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए। पहली गेंद पर ही उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट करने के बाद दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे को आउट किया। इसी के दम पर वे मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत पाए। तो दोस्तों ये थे आईपीएल 2020 के सभी अवार्ड। इसमें से आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है कमेंट में जरूर बताना। और आप भी मुंबई इंडियंस के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। क्रिकेट से जुड़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।